हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज गुरुवार स्पेशल में रीडिंग लेकर आई हूँ साईं बाबा डेक से। तो देखते हैं कि साईं बाबा जी आज हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ऐसा क्या है जीवन की, ऐसी कौन सी कठिनाई है जिसके लिए बाबा हमको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएँ कि हमारे जीवन की ऐसी कौन सी कठिनाई है या कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिनके लिए आप हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जो कार्ड निकल कर आए हैं वो हैं ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा, सेवा और परोपकार, यही आत्मा उद्धार का निश्चित मार्ग है। तो साईं बाबा जी आपसे कहना चाह रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हमारी आत्मा अपने उद्धार के लिए जब धरती पर आती है तो वो भगवान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है कि मैं पृथ्वी पर जाके, धरती पर जाके इस तरीके से अपना जीवन यापन करूंगा और इन कठिनाइयों को जीते हुए अपने जीवन में धर्म को अपनाऊंगा और स्पिरिचुअल बनूंगा और लोगों की सहायता करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, इस तरीके से मैं अपनी आत्मा का उद्धार करूंगा। लेकिन हम जब धरती पे आते हैं तो यहाँ आके हम सब भूल जाते हैं और समाज की जो कंडीशनिंग होती है वो हमें समाज के ढर्रे पर ले आती है। हमें पढ़ाया लिखाया जाता है, शादी कर दी जाती है और फिर हम इन सब चीज़ों में पढ़ के कहीं ना कहीं भगवान को भूल जाते हैं। हम अपने जिस सोल पर्पज़ के लिए धरती पर आए हैं हम वो भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या प्रॉमिस किया था कि हम धरती पर जाकर अपनी आत्मा के अपलिफ्टिंग के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ आकर हम अपनी आत्मा को और गिरा देते हैं। चीटिंग करना, लोगों को धोखा देना, उल्टे सीधे तरीक़ों से पैसा कमाना, ये हमारा काम हो जाता है। हमें ये लगता है कि जो धनवान है उसकी बहुत वैल्यू है और जो गरीब है उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ यहाँ धरती पर ही है। भगवान के यहाँ हो सकता है कि वो जो गरीब है आपकी नज़रों में उसे देव स्थान दिया जाए क्योंकि उसके कर्मा अच्छे हों, और जो अमीर है इस जगत में उसने अपने कर्मा की वजह से नरक में जगह पाई हो। तो भगवान यही कह रहे हैं हमसे साईं बाबा जी कि सेवा और परोपकार यही आत्मा उद्धार का निश्चित मार्ग है। तो वो हमें फिर से बता रहे हैं कि सेवा करिए बुजुर्गों की और परोपकार करिए दीनहीन गरीबों पर, यही हमारी आत्मा की उद्धार के लिए ज़रूरी है, यही हमें स्वर्ग में ले जाएगा, भगवान के करीब ले जाएगा। दूसरा है संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एंग्जाइटी फील करते हों, टेंशन हो आपको, आपको चिंताएं बहुत रहती हों, तो आपके लिए भगवान का यही मैसेज है कि अगर आप प्राणायाम करेंगे, अपनी सांसों से जुड़ेंगे, तो कुछ ही समय के बाद आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये जगत में जो भी परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब मिथ्या हैं, इनमें कोई औचित्य नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये जिस तरीके से आई हैं परेशानियाँ उसी तरीके से समय के साथ ख़त्म भी हो जाएंगी और आप अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। तीसरा कार्ड है हमारा, हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। तो साईं बाबा जी आपसे ये कह रहे हैं, हम सभी से ये कह रहे हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी रिश्ते में होते हैं और उस रिश्ते में ऐसा कुछ होता है कि हमें डाउट होने लगता है कि ये पर्सन ठीक है या नहीं है। तो साईं बाबा जी ये कह रहे हैं कि इस जगह पर आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। आपके अंदर से जो आवाज़ आए, आपके दिल से जो आवाज़ आए, आप उसको सच मानिए, क्योंकि दिल, हमारी अंतरात्मा हमेशा सच बयान करती है। तो ये थे साईं बाबा जी के आज के मैसेज। आई होप आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।